वेलकम टू द सुपर एंटरटेनमेंट चैनल ड्रामा सीरियल मोहब्बत तुझे अलविदा की एपिसोड 11th में आप लोग देखेंगे शाहान जो कि उल्फत की बात नहीं मान रहा। उल्फत ने हर तरह से शाहान को मनाने की कोशिश की कि वो शफक से किसी भी तरह शादी कर ले, मगर शाहान है कि उसकी बात नहीं मान रहा। आखिरकार शाहान को गुस्सा आता है, वो दिली दिल में ये सोचता है कि ये सब कुछ शफक की वजह से हो रहा है। इसी वजह से वो अपना रेजिग्नेशन लेटर शफक के मुँह पर मारता है और उससे कहता है कि मुझे ये जॉब नहीं करनी, मगर वो उसका रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं करती और वो शाहान से ये कहती है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मगर शाहान उसके बावजूद भी उसे छोड़कर चला जाता है। जब शाहान घर आता है तो उल्फत अपना सामान पैक कर रही होती है और वहाँ से जाने लगती है, जिस पर शाहान उससे ये कहते हैं तुम किसी और की खातिर कैसे मुझे छोड़ सकती हो, तुम कैसे अपनी मोहब्बत को छोड़कर जा सकती हो। उल्फत मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। यू आर वॉचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। उल्फत भी गुस्से में कहती है मैं मोहब्बत की खातिर मोहब्बत को छोड़ रही हूँ ताकि तुम्हें भी पता चले कि जब किसी मोहब्बत करने वाले को ठुकराया जाता है तो क्या होता है उसका दर्द। ये कहते हुए उल्फत वहाँ से चली जाती है और शाहान रोने लगता है। सो व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है कि शाहान उल्फत की बात मान जाएगा? क्या वो हार मान लेगा उल्फत के सामने? क्या वो शफक से शादी कर लेगा? और अगर वो शफक से शादी कर लेता है तो क्या उल्फत उन दोनों को खुश रहने देगी और उन दोनों की खुशी में खुश हो सकेगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। सुपर इंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। देखते रहिए सुपर इंटरटेनमेंट। अल्लाह हाफिज़।